प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पेशेंट को बुलाया या चाहे वो मेडिसिन को बुलाया, इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसके चलते आप लोगों के माध्यम से जन जन के लोगों को, जिसको हम बुलाना चाहते हैं, वो उन तक मैसेज जाता है। उसमें से कुछ लोगों के अंदर भी इस तरह की भावनाएं जागती है और वो लोग आने के लिए उनके दिल में विचार पैदा होता है और वो अप्रोच करते हैं और इसमें जो जिनका दिल अपने से मिलता है वो आने के लिए तैयार होते हैं और इस कार्यक्रम को सक्सेस होने में एक कदम हम आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। सर, किस तरह के दवाइयां रहेंगी, किस चीज का इलाज करेंगे डॉक्टर? हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट फार्मा कंपनी में से हमने कुछ ऐसे फार्मा कंपनी हैं जो कि बहुत बड़ी फार्मा कंपनी हैं, जैसे एल्केम फार्मा टॉप 10 में आते हैं, वकार्ड फार्मा, एरिस्टो फार्मा, इप्का फार्मा, ऐसे तकरीबन 10 से 12 ऐसे फार्मा कंपनी हैं जिनके सीएमडी के साथ हमारी लगातार बातचीत चल रही है और हमेशा भी ऑलरेडी इन लोगों का सपोर्ट होते आया है, क्योंकि ये इस तरह का इतना बड़ा मेडिकल कैंप पहली बार नहीं करने जा रहे हैं। इस तरह के मेडिकल कैंप हमने पहले भी ऑलरेडी करते आए हैं, जिसके चलते आप लोगों को मालूम है कि यही एक कर्म है जिसके चलते हम लोगों ने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में हम लोगों ने नाम दर्ज करा दी है। तो इस तरह से हमेशा उन लोगों का सपोर्ट होते आया है और इस बार भी उन लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए उन लोगों ने आगे आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भी तकरीबन 8 से 10 करोड़ की मेडिसिन यहां के उन गरीब वासियों के लिए, झोपड़ वासियों के लिए हमारे डॉक्टरों के द्वारा लिखे जाएंगे और उन फार्मा कंपनियां देंगी और उसको हम लोग बांटने में कारगर साबित होंगे। सर, इस कैंप के द्वारा किस किस प्रकार की बीमारियों का इलाज होगा और दवाइयां दी जाएंगी? इस कैंप में हमने तकरीबन 2 से 3 हजार के करीब हम डॉक्टर्स बुला रहे हैं, जिसमें हर तरह के डॉक्टर, जिसको आप लोगों ने शायद सुना है, जिस तरह के सारे डॉक्टरों के बाद भी आप उनके स्पेशलाइज के बारे में भी आप लोग नहीं सुने होंगे, उस तरह के भी डॉक्टर और आयुष ने जितने भी सिस्टम हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथिक, योगा, सिद्धा के हर विंग को इसने लेटर भेज दिया है कि आपको हर देश के कोने कोने से आप लोगों को आना है। और तकरीबन 3 दिन पहले से जब मैं दिल्ली गया था, तब से ही मेरे पास फ़ोन आना शुरू हो गया। कुछ चेन्नई से फ़ोन आया, कुछ केरला से फ़ोन आया कि सर कैसे आना है, कहाँ आना है और कितना दिन का है, ये इस तरह की इंक्वायरियाँ हमारे पास शुरू हो गई हैं। और मतलब कि ये हो गया कि गवर्नमेंट के सपोर्ट से हिंदुस्तान के तमाम ऐसे बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, हर तरह के डॉक्टर्स इसमें बड़े जागरूकता के साथ इन्वॉल्व होने के लिए वहाँ से अपने आप को प्रिपरेशन, तैयारियाँ शुरू कर दी है। उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक महा मेगा मेडिकल कैंप का एक ये रहेगा, जो कि उनके एरिया में इस तरह की चीज़ें नहीं हुई है और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम भी इसमें जा कर के इस वर्ल्ड के एक बड़े से बड़े मेडिकल कैंप में हम भी अपना एक योगदान दे करके हम भी एक हिस्सेदार बने और ताकि हमारे लिए भी एक ज़िंदगी में एक यादगार के तौर पर एक जानी जाए। तो आयुष के सपोर्ट से इस तरह से चीज़ें चल रही है। हमारे जो डॉक्टर बागमारे साहब जो हैं, जो कि जीवनदायी योजना को देख रहे हैं, जिसके चलते तकरीबन जितने भी हिंदू बॉम्बे के 52 से 55 जो हॉस्पिटल है, जो कि 5 स्टार जो हॉस्पिटल है, जिनको इन्होंने अप्रोच करके उनसे हर हॉस्पिटल से एक एक डॉक्टर से बुलाने के लिए ये तत्पर है और हर वक्त ये कम्युनिकेशन में है। तकरीबन जीवनदायी से जितने भी अधिकारी हैं, बड़े से लेकर के और छोटे वर्ग के बहुत सारे इनके दोस्त भी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं क्योंकि नए हैं तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन जमाए रखा है इन्होंने और इनके तरफ से ये कोशिश है कि 100% जीवनदायी योजना के जो टीम है वो आए और उनके भी सपोर्ट से जो हम लोगों ने पिछली बार अनाउंस किया था कि सर से लेके पाँव तक जितने भी तरह के तकरीबन डॉक्टर 500 से ज्यादा ऐसे रोग हैं, 971 ऐसे रोग हैं जो कि इसमें इसके अंदर कवर होती है, जो कि हम फ्री में ऑपरेशन करा के देने जाएंगे, जिसमें तकरीबन एंजियोप्लास्टी से लेकर के बाईपास, कैटरेक्ट, किडनी ट्रांसप्लांट, हड्डियों के ऑपरेशन, ऐसे तमाम ये तो चीज़ें जो आप लोग जानते हैं, बहुत से ऐसे रोग हैं जो कि आप लोग नहीं जानते हैं, जो हो जाते हैं, जो डॉक्टर बाद बताता है कि ये रोग हो गया है, तो उसके भी ऑपरेशन आपको
तकरीबन 50 ऐसे हॉस्पिटल है जिसको टाइप किया गया है यहाँ के गरीबों के लिए, जो कि यहाँ उनके उनके डायग्नोज किए जाएंगे, उनके रोग के बारे में जाने जाएंगे, और जानने के बाद से उनको हमारे यहाँ की टीम जो कि डॉक्टर बागमारी साहब जो ये कर रहे हैं उनको गाइड करेंगे कि कौन से हॉस्पिटल में कब किस तरह से फ्री में तुम्हारा ऑपरेशन होगा, जिसके लिए हमारे डॉक्टर बागमारी साहब ये कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कोई रोग हम छोड़ेंगे नहीं, कोई रोग हम छूटने नहीं देंगे, रोग मुक्त करके हम छोड़ेंगे। हमारे सब क्या कहना चाहेंगे आप, इतनी तैयारी की आपकी? सबसे पहले मैं आरके एचआईवी एड्स रिसर्च ये ट्रस्ट जो हमारा है जिसका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में एशिया रिकॉर्ड में है, तो हमारे चेयरमैन साहब, हम, हमारी कोर टीम इतनी दिन रात मेहनत से लगन से इस एक बड़े एक टास्क को पूरा करने के लिए जुड़े हैं। तो हमने मुंबई के सभी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, अस्पताल्स हैं बड़े बड़े, उसमें जेजे है, केईएम है, साइन है, नायर है, कूपर है, जितने भी बड़े बड़े, तो उनके सब के डीन जो प्रमुख हैं उनसे मुलाकात लेके उनसे व्यक्तिगत वन टू वन चर्चा करके उनका सहयोग, चाहे वो डॉक्टर्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स हो, इंटर्न डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो और फार्मासिस्ट हो, इनका सहयोग देने का उन्होंने हमको वचन दिया है। और इसके साथ जैसे मैं राजीव गांधी जीवनदायी स्वास्थ्य योजना का पूरे महाराष्ट्र के 450 हॉस्पिटल का जो पैनल, प्राइवेट बड़े बड़े हॉस्पिटल जहां मैं नहीं जा सकता, हमारे चेयरमैन नहीं जा सकते, जिसके पास वड़ा पाव के लिए पैसा नहीं, जिसके पास खाली पीला या ऑरेंज रेशन कार्ड है, जो दारिद्र्य रेखा के नीचे है, उसके लिए ये 971 टाइप्स के जो प्रोसीजर है जो फ्री हम कराते हैं, उसका मैं महाराष्ट्र का चीफ मेडिकल अफसर रह चुका हूँ। तो मेरा अच्छा सहयोग है जिनको हमने आज तक मदद की है, तो वो हाथ बटोरने के लिए, और बम्बई के स्पेशली बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है जो हमारे पैनल के ऊपर हैं, तो राजीव गांधी जिसका नाम अभी महात्मा ज्योतिबा फुले ऐसा हो चुका है, तो उनकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उनके डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनके असिस्टेंट डायरेक्टर, तो वहाँ सब मेरे हाथ के नीचे काम हुए, सब साथी साथी हैं, तो उनको जोड़ के हर अस्पताल का मेडिकल कोऑर्डिनेटर बोलते हैं, एक डॉक्टर रहता है, वो राजीव गांधी योजना का सभी पूरा जिम्मेदारी निभाता है। तो ऐसे डॉक्टर और हमारी आरोग्य मित्रा जो वाइट एप्रन डाल के हमारी इधर ये महामेला में, ये महा डायग्नोस्टिक फ्री कैंप में ऐसे काउंटर रहेगा, वहाँ राजीव गांधी के सब लोग एक बैनर लगा के बैठे रहेंगे। समझो एक डॉक्टर ने ब्रेन ट्यूमर का कैंसर का या जो भी निदान किया है, तो वो वहाँ काउंटर पे जाके न्यूरो सर्जरी की व्यवस्था जिस अस्पताल में होगी, वो चिट्ठी पे वो पेशेंट वहाँ उस अस्पताल में जाके उसकी सुविधा करके वहाँ फ्री ऑपरेशन करवा ले सकता है। इसके लिए किसी मेहरबानी की कोई ज़रूरत नहीं, किसी चाराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आर के एच आई वी एड्स रिसर्च संस्था उसकी एक दिल की रखवाली, उसकी दर्द को कम करने वाली एक संस्था है, तो मानवता की संस्था है। खाली दवा दे के चश्मा बांट के हम चुप नहीं बैठने वाले। आपको एक खास बात बोलूँगा कि हर कैंप होता है, गली गली में कैंप होते हैं, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, जेसीस क्लब, बहुत कैंप लेते हैं ऐसे बकड़े लगा के, लेकिन ये हमारा कैंप की खासियत ऐसे रहेगी कि हम जो भी सुविधा फ्री में जो करा रहे हैं, चश्मा हो, ऑपरेशन हो, जो भी, तो उसके साथ हम कोऑपरेशन भी करेंगे और फॉलो अप जो बहुत कीमती, बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यक जो व्यवस्था है तो हम करने जा रहे हैं। जिसका ऑपरेशन हुआ, जैसे मान लीजिए कैंसर में ऑपरेशन हो चुका, लेकिन उसको बाद में रेडियोथेरेपी लगेगी, लाइट शॉक लगेगा, उसको बाद में कीमोथेरेपी लगेगी, वो क्या दो दिन में नहीं होता है, तो उसको हफ्ते में एक बार, 15 दिन में दो बार, जैसे किडनी का पेशेंट है तो डायलिसिस उसको हफ्ते में दो बार कराना पड़ता है, महीने में 8 बार 12 बार करना पड़ता है, तो उसको बार बार जो सुविधा फॉलोअप की जो लगेगी, उसको आफ्टर केयर जिसको हम बोलते हैं कि खाली फाड़ के उसको सिला के छोड़ देना हमारा फर्ज नहीं है, तो उसको आफ्टर केयर जो फॉलोअप है जो हमारी संस्था देने में काबिल है और कामयाब रहेगी। आपका सहयोग, आपके मीडिया का सहयोग, लोगों का सहयोग, उनके रिश्तेदारों का सहयोग इसमें ज़रूरी है। तो हम अपील करते हैं, हम गुजारिश करते हैं कि जनता से कि आप आएँ, बड़े पैमाने में, बड़े तादाद में आएँ इस योजना का और हमारे ये शिविर का फ़ायदा लेके अपना जीवन सफल बनाएं, ताकि हमारा भारत स्वस्थ बने। स्वस्थ भारत, यही हमारा नारा है। धन्यवाद।
आरके एचआईवी एंड केयर रिसर्च सेंटर के द्वारा ये आयोजन हम लोग हर जगह कर रहे हैं, हर स्टेट में कर रहे हैं और मुंबई में भी किए हैं। और मुंबई में करने का परिणाम यह है कि आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने नाम कमाया है। मेरा जिम्मेवारी प्रचार प्रसार का है कि कैसे पेशेंट्स को यहाँ पर लाया जाए, तो इसमें हमारा मुख्य भूमिका यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के विधायक, यहाँ के तमाम एनजीओ जो और यहाँ पर जितने भी मंडल हैं, छोटे छोटे मंडल हैं, बस्ती में हैं, स्लम एरिया में हैं, जो बहुत ही पैसे से मजबूर लोग हैं, जहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा ही है, जो एक छोटा सा मामूली सा भी इलाज नहीं करा सकते हैं, उन लोग तक इस कैंप के बारे में सूचना देना, पब्लिसिटी करना और इसके लिए बैनर बनाना, हमारे जैसे वहाँ के जैसे यहाँ मलाड के एनजीओ है एवरशाइन मित्र मंडल, नेवड़ा पुटमन जी वो हम लोग को बहुत सहयोग कर रहे हैं इसमें, ऐसे बहुत से एनजीओ है जिसके माध्यम से गणपति का मंडल है बहुत सा है, दुर्गा का मंडल है, कैथलिक का बहुत सा एनजीओ है, बच्चे लोग जो यहाँ पर टूर्नामेंट कराते हैं वो लोग, तो एक माध्यम से सबको तक ये बात पहुँचाना कि ये इतना बड़ा कैंप हो रहा है जिसके माध्यम से आपको मुफ्त में इलाज हो सकता है और आप स्वस्थ हो सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक उत्सव है और उत्सव में शामिल होने के लिए, और मैं सब जितने भी पेशेंट्स लोग हैं उनसे मैं आग्रह कर रहा हूँ कि उस दिन जब आएंगे तो वो अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके आएंगे और आधार कार्ड का फोटो कॉपी जरूर लेके आएंगे, ताकि यहाँ पर फिर वो परेशानी नहीं हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो एक रिकॉर्ड बन जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आरके एचआईवी केयर सेंटर में, जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो फिर किसी प्रकार का कोई जो बीमारी है जो डॉक्टर लोग देखेंगे उसका फिर फॉलोअप हो सकेगा। तो इसी तरह हमारा तैयारी चल रहा है, हमारे सहयोग में चेयरमैन साहब जो जिस प्रकार जो ये उठाए हैं कि स्वस्थ जिंदगी स्वस्थ भारत का जो निर्माण का जो सपना देखा है वो हमारे हम लोग टीम के माध्यम से ही कर सकते हैं, जैसे बागमारी सर हो गए, सतीश उपाध्याय जी हो गए, प्रेम जी हो गए, नेवड़ा पुटमन जी हो गए, विनोद सेलार जी हो गए, हमारे सांसद गोपाल सेट्ठी जी हो गए, नगर सेवक यहाँ के जितने हैं, तो तमाम लोगों के सहयोग से ये उत्सव और ये जो मेला है इसका बहुत बड़ा रूप होगा और इसमें निश्चित ही जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें स्वस्थ होंगे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को इस प्रोग्राम का बधाई देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा कार्यक्रम जो उसने बड़े हिम्मत से जो इंसान ये काम कर रहा है, मतलब ऐसे अगर इंसान और आगे तो इस देश का जरूर भला होगा। और जो लोगों को इस मेडिकल का ज़रूरत है, गरीब लोगों को, उस डॉक्टर साहब के माध्यम से वो काम पूरा हो रहा है, तो मेरे डॉक्टर साहब को मेरे तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। और आज से ये कमिटमेंट है कि डॉक्टर साहब को जब भी मेरी ज़रूरत रहेगी मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा इस चीज़ के लिए, तो इससे अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता है इंसानियत के नाम से। तो मेरे डॉक्टर साहब को हर चीज़ में मेरी शुभकामनाएं है और मालिक करे वो और इस काम को बड़े से बड़े लेवल से करे लोगों के लिए। देखिए हमारे ऑनरेबल डॉक्टर धर्मेंद्र साहब, डॉक्टर बागमारी साहब, शाल जी, नेवड़ा पुटमन साहब, सतीश उपाध्याय जी, एक जो आप लोगों के माध्यम से आज हमसे यहाँ बैठे हैं, इस कमरे की बात यहाँ के इलाके तक पहुँचे, यहाँ के लोगों तक पहुँचे। जो इंजेक्शन, जो दवाइयाँ, जो बीमारियाँ, अभी हमने बीमारी के बारे में पढ़ा कि तकरीबन हजारों किस्म की बीमारियाँ होती हैं और एक आम इंसान जो अपने दो वक्त के जुगाड़ में इस तरीके से उसकी लड़ाई लड़ता है कि उसे वक्त ही नहीं मिल पाता ये सोचने के लिए कि मुझे दवा खाना जाना है या मैं बीमार भी हूँ। बीमारी जब आखिरी चरम पे होती है तब उसे पता चलता है कि उसे तो जानलेवा बीमारी हो गई, एकदम प्राण घातक बीमारी है, कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में। ये कैंप अवेयरनेस कैंप है, यहाँ से लोगों को जागरूकता मिलेगी। हमारे ही देश में ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा इस देश का कि स्वास्थ्य के प्रति हम लिस्ट बॉदर्ड है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों में जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ लोग स्वास्थ्य को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं और हम सबसे आखिर में
खांसी आ रही है तो एक महीने से खाँव 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 करते चले जा रहे हैं, पता ही नहीं क्या बीमारी हो रही, बाद में पता चला वो टीवी जैसी भयानक बीमारी बन गई। एक थोड़ी सी खुजली है उसको हम ध्यान नहीं दे रहे, पता चला कैंसर का रूप ले लिया। मैं बेसिकली डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टरों के साथ खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। बेसिकली तो मैं आर्टिस्ट हूँ, लेकिन इनके बारे में जानने के बाद मेरे दिल में भी ये सोच होती है कि मैं भी कुछ इस तरीके का कार्य कर सकूँ। RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दुबई से लेकर अमेरिका में, बिहार से लेकर दिल्ली, हर जगह पर यह संस्था बहुत एक्टिवली काम कर रही है। बंगाल में तो बहुत रिकॉर्ड तोड़ काम कर रही है, गांव-गांव, चूँकि बंगाल एक बड़ा ऐसा प्रांत है जहाँ पे गरीबी देखना हो तो आपको उड़ीसा जाना होगा या बंगाल जाना होगा, और स्वास्थ्य के लिए तो बड़ी लचर व्यवस्था, लेकिन उससे भी भयानक स्थिति मुंबई में है। मुंबई में सारी सुविधाएं हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट में भी हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन सबसे जो बड़ी कमी है अवेयरनेस की। तो मैं अखिलेश जी यही कहूँगा कि अवेयरनेस हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ कि कैंप में आएँ। कैंप में डॉक्टर वाघमारे जैसे विद्वान बैठे हैं जो कह रहे हैं आई कैन चेंज द सीन विदाउट मेडिसिन, दवा खाने की जरूरत ही नहीं है, पंच तत्व ही हमारे शरीर को सब ठीक कर देगा। नेवड़ा पोर्टमैन साहब कह रहे हैं कि हमारी सारी शक्तियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब तक एक इंसान अपने भीतर की ही शक्ति को तैयार नहीं करेगा। राजनीतिक लेवल पे हमारे विशाल जी जितने कदकाठी से विशाल हैं उससे बड़ी विशालता उनके भीतर है। सारे बड़े बड़े नेता जिनका इन्होंने नाम बताया सब इनके मित्र हैं, उनके आने से एक अवेयरनेस का भाव, जो उत्सव मेला, भाई साहब ने बहुत अच्छा शब्द कहा, एक उत्सव का वातावरण निर्माण होने वाला है। इस उत्सव से क्या हमें देखना है कि हम यहाँ से लेकर चले जाएंगे अवेयरनेस, जानकारियां, शिक्षा, जीवन का उद्देश्य, भागवत गीता का परम सत्व यहाँ मिलेगा हमें कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य बिगड़ गया सब खत्म, एवरीथिंग इज आउट। जब आप जिंदगी नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप स्वस्थ नहीं तो अपने परिवार के लिए क्या कमाएंगे। तो इसलिए जो बच्चा इस धरती पर आ चुका है और जो बुजुर्ग हो चुके हैं, सबों की सेवा के लिए कैंप की जा रही है, सिर्फ दवाई मेडिसिन के लिए नहीं की जा रही। जिस तरीके से लोग मतदान करके सरकार और देश को संवारते हैं, उसी तरीके से इस स्वास्थ्य शिविर में आके हजारों डॉक्टर्स को देखकर, हजारों पेशेंट को देखकर, इन जानकारियों के साथ जुड़कर अपने स्वास्थ्य के बारे में वो जानेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माय हेल्थ इन माय लाइफ। हम उन सब चीज़ों से भागते चले जा रहे हैं। तो डॉक्टर धर्मेंद्र साहब और उनकी पूरी टीम का एकमात्र सपना है कि इस कंपेन के माध्यम से पूरे देश में, पूरी दुनिया में, और आप लोगों के माध्यम से, चूंकि आप लोगों की बनाई हुई वीडियो, ली हुई कॉन्फ्रेंस और ये जो बातें अखबारों में, टेलीविजन में, सोशल मीडिया में क्रांति पैदा करती, पूरी दुनिया में ये बातें जाती है, तो दुनिया को पता चले कि RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर मुठ्ठी भर लोगों का नहीं है। ये जो कीर्तिमान स्थापित की गई है, ये कीर्तिमान सिर्फ लोगों को ये बताने के लिए कि अगर मैं चाहूं तो बदल सकता हूं इस दुनिया के निजाम, अपनी शक्ति को मैंने पहचाना है। आज हमने अपने आप को नहीं पहचाना, जिसके वजह से सारी गड़बड़ियां, मेरा पूरा स्वास्थ्य चौपट हो रहा है। तो मैं खुद भी इसमें अपने आप को स्वास्थ्य का लाभ ले रहा हूँ, और जो भी हमारी इस बातों को सुनेंगे आप लोगों के माध्यम से, उनसे बस एक ही अपील है, गुजारिश है, प्रार्थना है, निवेदन है कि इस विशाल शिविर में, जहां दिल्ली से बड़े बड़े मंत्रीगण, महाराष्ट्र प्रदेश के सरकार से बड़े बड़े मंत्रीगण, फिल्म जगत के बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, वहां आप सब आएं और स्वस्थ की जो जिंदगी है, स्वस्थ जिंदगी का एक ही नारा, स्वच्छ भारत हो देश हमारा, स्वस्थ भारत हो देश हमारा। तो इन विचारों के साथ हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी साहब का सपना है, और उसी सपने को पूरा भारत वर्ष उत्सव के रूप में मनाता हुआ आगे बढ़ रहा है। 26 जनवरी कुछ दिनों में आ रही है, तो उसकी गणतंत्र दिवस की भी शुभकामनाएं देते हुए लोगों से हम प्रार्थना करते हैं कि शिविर में शामिल हों और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, और खास करके अपने बच्चों को इस शिविर में लेके आएं, और ये भी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे तमाम बड़े बड़े डॉक्टर्स, जो मुंबई के बड़े बड़े डॉक्टर्स जिनके पास जाने के लिए उनको 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, कभी कभी लाखों की फीस देनी पड़ती है, वो स्वतः चलकर मालवानी की इस बस्ती में आ रहे हैं लोगों को स्वास्थ्य की जानकारियां देने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को बैलेंस डाइट सिखाने के लिए, ताकि जो बीमार हैं उन्हीं को नहीं आना है, जो बीमार नहीं है उनको भी आना है कि कहीं मैं बीमार तो न पड़ जाऊं। इन भाव और विचारों के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया चला जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का, विथ लॉट ऑफ थैंकफुलनेस, एंड आई विश एवरीबडी हु इज देयर इन द वीडियो कि गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे जो है, एक शपथ दिन की तरह हम सबों के भीतर एक शक्ति पैदा करे कि हमें सिर्फ गणतंत्र दिवस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए नहीं, अपने जीवन की, आत्मा और शरीर की सुरक्षा के लिए भी मनाना चाहिए। इसलिए पुण्यतिथि हमारे देश के बहुत ही विद्वान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पे महा
यज्ञ को रखा गया है, महाशिविर को रखा गया है, और इसमें जितने लोग भाग लेंगे सब इनके प्रसाद से, यहाँ के डॉक्टरों की बातों से, मेडिसिन से, चश्मे से और बहुत सारी सुविधाओं से अपने घर परिवार को बहुत ही आनंदित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी ट्रस्ट रिसर्च सेंटर ये पहली बार कैंप नहीं करने जा रहे हैं, हमने लगभग अभी तक 24,000 के आसपास कैंप कर चुके हैं, और ये जो कैंप कर रहे हैं ये अपने आप में इतिहास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं वो एक से एक अच्छे गेस्ट हैं। और इस बार जो उत्साह है मालोनी क्षेत्र के लोगों के बीच में, चारको हो या लालजी नगर हो या कांदरपाड़ा हो, रावलपाड़ा हो या रायपाड़ा हो या भगत सिंह नगर, जो स्लम एरिया है मुंबई की, आज मुंबई की आबादी 70% जो स्लम एरिया में रहती है, उसमें से 50% लोगों के पास पैसे नहीं होते कि वो डॉक्टर के पास जा सके। डॉक्टर के पास वो जा भी पाते हैं तो उनके पास दवाई लेने के पैसे नहीं होते। आर के ट्रस्ट ये इतना बड़ा जो प्रोग्राम कर रहा है उसके अंदर वो चेकअप भी करेंगे और फ्री मेडिसिन देंगे, दवाइयां भी फ्री मुफ्त देंगे। आपने बात की कि भाई कैसे हम उसको मैनेजमेंट करेंगे, हमारे वॉलंटियर्स हैं 5,000, हमारे जो डॉक्टर 3,000 आ रहे हैं वो पहले से हमारे कैंप के हिस्सा रह चुके हैं, तो उनको पता है कि हमारा जो कैंप होता है किस तरह से होता है। यहाँ की जनता के लिए नया हो सकता है लेकिन हमारे लिए नया नहीं है, और जो हम ये कैंप करने जा रहे हैं उसका मकसद यही है कि जो गरीब से गरीब लाचार मजबूर व्यक्ति है उसको वो दवाई मिले, इलाज मिले, वो हमारे कैंप तक आ सके। इसके लिए आपके मीडिया के थ्रू, प्रेस प्रिंट मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हम ये मैसेज दे रहे हैं कि 11 फरवरी 2018 मालोनी के क्षेत्र में ये हमारा मेडिकल कैंप हो रहा है, इसको आप आकर उसका फायदा लें, लाभ उठाएं और इस उत्सव के अंदर भागीदार बन के हमें उस पुण्य काम करने का हमें आशीर्वाद दें। दूसरी बात कि आज 70% जो जनता है मुंबई की वो स्लम एरिया में रहती है, उसमें से 40% जो पुअर पर्सन है, एकदम गरीब, वो इतने लाचार होते हैं कि उनके पास दो वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत नसीब है। तो अगर उनको कोई भयंकर बीमारी हो गई तो उसका उपचार हम सिर्फ मेडिकल कैंप में एक दिन दवाई देकर उनको हम फ्री नहीं कर देंगे, उनका बाकायदा आगे का जो इलाज होगा उसका भी हम ध्यान रखेंगे। आज अंडर एज मैरिज होती है उसकी वजह से जो महिलाएं होती हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाती है, बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, गंदगी रहती है। जैसे मोदी जी का नारा है स्वच्छ भारत, तो हमारे आर के ट्रस्ट का नारा है स्वस्थ जिंदगी स्वस्थ भारत देश हमारा। हम ये उद्देश्य से ये कैंप करने जा रहे हैं। आज देखेंगे कि 30% लोग बहुत गरीब है, उसमें से 20% महिलाएं जो हैं जो ब्रेस्ट कैंसर या माइग्रेन स्ट्रेस की बीमार गृहिणी जो होती है महिलाएं, वो उन पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस बार हमारे कैंप में लगभग 200 डॉक्टर महिलाएं आ रही हैं जो महिलाओं के प्रति जागरूकता लाने का, उपचार लाने का काम करने वाली हैं। हमारी टीम के वाघमारे साहब इसमें बहुत तत्पर हैं, हमारे धर्मेंद्र कुमार जो चेयरमैन इस ट्रस्ट के, वो 20 सालों से ये उत्सव ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं, ये शिविर लेते आ रहे हैं। नेवरपुट्टम नेवड़ा जी हैं, विशाल जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, ब्रजेश सिंह जी हैं, ये सारे हमारे जो कोर टीम के मेंबर हैं, ये हमारे सहभागी जो हैं एनजीओ है या सोशल मीडिया के लोग हैं, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, वो हमारे मैसेज को हम कह रहे हैं इसलिए नहीं पहुंचा रहे, वो इस मैसेज को अपने तौर पे एक व्यक्ति के तौर पे भी लोगों को पहुंचा रहे ताकि इस कैंप के अंदर वो लोग आकर उसका फ़ायदा उठाए। मैं इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और फिर एक बार मैं आपसे गुजारिश करूँगा 11 फरवरी 2018 का दिन आप न भूलें, उस दिन आए कैंप शिविर आर के ट्रस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है शिविर मेडिकल कैंप को, आप उसका हिस्सा बने, उसका लाभ उठाए। जय हिंद जय भारत, आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।